सभी आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। मेरा नाम श्रुति मालविया है, मैं कक्षा 10 डी की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की सीख पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह एक युवा आइकन है जो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। अपने भाषणों में उन्होंने सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान का प्रदर्शन किया, जिसने पश्चिमी देशों की धारणा को बदल दिया, क्योंकि पश्चिमी देश के लोग भारत को दुनिया में एक अंधेरे स्थान के रूप में और सपेरों के देश के रूप में मानते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें शून्य से शिखर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। उनके आदर्शों का अनुसरण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब मैं आपको उनके द्वारा दी गई कुछ अद्भुत सीखों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पहली सीख है कि विनम्रता एक अनमोल गुण है। इसका अर्थ है कि विनम्रता सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, जो पवित्रता, दान और आज्ञाकारिता है। यह हमें आंतरिक जीवन, आंतरिक संतुलन विकसित करने में मदद करता है, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकें। अगली सीख है कि जीवन में जिज्ञासा जरूरी है। इसका अर्थ है कि हमें जीवन के बारे में अपनी जिज्ञासा को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और समग्र उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी सीख है कि करुणा और दया हमेशा सुनहरे होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रियजनों और दोस्तों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करके मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार हम उन्हें समाज में अच्छा करने के लिए सक्षम बना सकते हैं। चौथी सीख है कि हमें प्रार्थना के साथ हम किसी भी तूफान के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रार्थना में सही चीज़ के लिए पूछना हमारे जीवन जीने के तरीके में बहुत गहराई ले सकता है और हमें तूफानों के माध्यम से पार करने के लिए आंतरिक शक्ति का आह्वान करने में मदद करता है। पांचवी सीख है कि संस्कृति और विश्वास के लिए सम्मान आवश्यक है। इसका अर्थ है कि हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। संस्कृति, परंपराएं और मान्यताएं हर समुदाय को विशिष्ट बनाती हैं और उनके महत्व के बारे में हमारा अपना तर्क महत्व हमें दूसरों का संदेह, धारणा या विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। आखिरी सीख है कि हास्य बुद्धि का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हम हास्य के साथ समय को अच्छा और यहाँ तक कि सबसे नाटकीय परिस्थितियों को हास्य के साथ हल्का बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएँ हमारे और दूसरों के लिए एक खुशहाल जीवन सुनिश्चित करेंगी। हमें इन सीखों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की वजह से ही नरेंद्र नाथ जी स्वामी विवेकानंद बन पाए हैं, इसलिए गुरु ही सर्वोपरि है। धन्यवाद।